बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातहु। डियर स्टूडेंट, आज हम 10th क्लास का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास एक्स रेज टू पावर 2/3 प्लस 54 इज इक्वल टू 15 एक्स रेज टू पावर 1/3। तो सबसे पहले हम जो है इसको रीराइट कर लेंगे, एक्स 2/3 वैसे लिख लेंगे, इसको यहाँ पे लेके आएंगे, ये 1/3 यहाँ पे लिखेंगे, प्लस 54 इज इक्वल टू 0। चूँकि हम इस वैल्यू को यहाँ पे लेके आए हैं तो इसलिए ये माइनस हो गए। अब जो है कोई सपोज कर लेते हैं, हम लिखते हैं कि लेट एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 1/3 इज इक्वल टू वाई। अब इस इक्वेशन को हम यूं बना सकते हैं, हम इसमें वैल्यूज इस तरीके से पुट कर सकते हैं कि ये 1/3 और ये वाला 2 जो है यहाँ पे लिख लेते हैं, माइनस 15 एक्स रेज टू पावर 1/3 प्लस 54 इज इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमने इसकी पावर ले ली, तो अगर इसकी जगह हम y लिखते हैं तो ऊपर ये स्क्वायर आ जाएगा, इसी तरीके से माइनस 15 y प्लस 54 इज इक्वल टू 0। इसी तरीके से हम अगर इसको 50 फैक्टराइज करते हैं, अब चूंकि 54 जो है इसके हम फैक्टर बनाते हैं, तो ये वाला फैक्टर हो सकता है कि 6 प्लस 9 हम करते हैं तो ये 15 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा वाई स्क्वेयर माइनस 6y माइनस 9y प्लस 54 इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस 6 और माइनस 9 तो ये बन जाएगा माइनस 15। अब यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं इस टर्म में से भी, इस टर्म में से भी, तो y हमने कॉमन लिया तो ये बन जाएगा y माइनस 6 और यहाँ से अगर हम 9 कॉमन लें तो ये बन जाएगा y माइनस 6। अब यहाँ पे हम जो है यहाँ से और यहाँ से y माइनस 6 कॉमन लेते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा y माइनस 6 इंटू y माइनस 9। अब डियर स्टूडेंट, हमारे पास ये फैक्टराइज हो गया ये वाली इक्वेशन। अब वापस से हमने उन वैल्यूज में लेके जाना है, तो हम जो है इनको पहले यूं लिख लेते हैं कि y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। इसी तरीके से y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 9। इस तरीके से हमने दो वैल्यूज बना ली। अब इसी तरीके से इन वैल्यूज को हम यहाँ पे लेके आते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। अब ये है y इज इक्वल टू 6 और यहाँ y की वैल्यू रिटर्न करते हैं तो y की वैल्यू है यहाँ पे x रेज टू पावर 1/3, इसकी जगह लिखते हैं x रेज 1/3 और ये हो जाएगा 6, ये y की जगह हमने लिख लिया। अब डियर स्टूडेंट, आप ये देख सकते हैं कि अगर हम इसका क्यूब रूट लेते हैं तो हमारे पास ये ले लेते हैं क्यूब रूट ले लेते हैं इसका हम क्या करेंगे, क्यूब लेंगे, ये है 1/3 क्यूब लेंगे और इसका भी क्यूब लेंगे, ये क्यूब रूट से कैंसिल, तो x इज इक्वल टू अब ये हो जाएगा 6 6 36 36 6 6 आर, मतलब ये हो जाएगा 3 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 216 हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम जो है नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास y इज इक्वल टू
y इज इक्वल टू 9, तो ये बन जाएगा, इसकी वैल्यू हम लिखेंगे 1/3, और इसी तरीके से इसका भी हम क्यूब ले सकते हैं, और यहाँ पे इसका भी क्यूब लेंगे, ये और ये कैंसल, तो x इज इक्वल टू ये और ये कैंसल, तो ये हो जाएगा 9^3, वैसे ही तो 9 भी हमारा 3 टाइम है। अब 9 मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं आप, 9 9 = 81, 81 को 9 से मल्टीप्लाई करें, 9 और 7 2 9, ये x की एक वैल्यू आ गई, और दूसरी वैल्यू हमारे पास है 6 की, इसको भी आप कंफर्म कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, 36 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 आता है, तो ये हमने कंफर्म कर लिया, ये आप कैलकुलेटर से कंफर्म कर लिया करें ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो ये इसका सलूशन सेट बनेगा 216 और 729, ये हमने इस इक्वेशन को पहले हमने क्वाड्रेट इक्वेशन में कन्वर्ट किया, और फिर हमने उसको मज़ीद जो है फैक्टराइज मेथड से उसको ऑपरेट किया। इसी तरीके से हमने फिर वैल्यूज़ लेकर उसको हमने ये कैलकुलेट किया, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू बन गई। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है। ये है 3x^-2 और +5 = 8^-1, तो ये बन जाएगा 3x - 2 - 8x - 1 + 5 = 0, ये प्लस था तो माइनस हो गया। अब डियर स्टूडेंट, इसको जो है हम यूँ कर सकते हैं, x - 1 / 2 - 8x - 1 + 5 = 0। अब डियर स्टूडेंट, अगर हम सपोज कर लेते हैं कि x - 1 = y, तो हम वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पे, डियर स्टूडेंट x - 1 = y, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, ये लिखेंगे इसको 3y² - 8y + 5। अब ये स्टूडेंट, जहाँ पे x^-1 था हमने y पुट कर लिया, यहाँ भी y पुट करेंगे तो ऊपर ये स्क्वेयर है, यहाँ पे y पुट कर लेंगे +5 लिख देंगे। अब ये स्टूडेंट, आप अगर डियर स्टूडेंट, ये फॉर्म हमारे पास आई, तो अगर हम 5 3 15 इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 3 5 = 15 होता है। इसका मतलब इन्हीं फैक्टर्स को हम यूज़ कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा 3y - 5y + 5 = 0। अब डियर स्टूडेंट, -3 और -5 - 8 हो जाता है, इसका मतलब है कि हमने सही तरीके से रिजल्ट किया है। अब 3y को यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, 3y ये बन जाएगा y - 1, और यहाँ पे 5 कॉमन लेते हैं तो y - 1 ये बन जाता है। डियर स्टूडेंट, क्योंकि हमने -1 कॉमन लिया है, तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे हम फैक्टर्स कॉमन ले लेते हैं, y - 1 * 3y - 5 = 0, और ये यहाँ पे अगर y - 1 = 0, तो y = 1। इसी तरीके से 3y - 5 = 0 और 3y = 5,
और y इज इक्वल टू 5/3 हो जाएगा। ये भी हमने एक वैल्यू फाइंड कर ली, यहाँ भी एक वैल्यू हमने y की फाइंड की। अब जो है हम वापस से वैल्यू रिटर्न करेंगे, क्योंकि हमें x की वैल्यू की ज़रूरत है, क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब y इज इक्वल टू 1 है, यहाँ पे लिख लेते हैं y इज इक्वल टू 1। तो y की वैल्यू क्या थी, y की वैल्यू ये थी x रेज टू पावर -1, x रेज टू पावर -1 इज इक्वल टू 1। अब डियर स्टूडेंट, इस माइनस वन का मतलब है कि हम इसको 1/x लिख सकते हैं और ये 1 है। अब x अगर यहाँ पे आता है तो ये यूं बन जाएगा कि x इज इक्वल टू 1। इसी तरीके से y इज इक्वल टू 5/3 है, y इज इक्वल टू 5/3, y की वैल्यू है x रेज टू पावर -1, ये है 5/3। अब डियर स्टूडेंट, इसको हम लिखते हैं 1/x और ये हो जाएगा 5/3। अब डियर स्टूडेंट, अब x को यहाँ पे लेके आते हैं, इसको यहाँ पे और इस वैल्यू को यहाँ पे, तो ये 3 नीचे आ जाएगा 5 और ये x यहाँ पे चला गया, तो x इज इक्वल टू 3/5। एक वैल्यू ये हमने फाइंड कर ली, एक वैल्यू हमने ये फाइंड कर ली। ये स्टूडेंट दोबारा से देखिएगा कि y की वैल्यू है 5/3, y की वैल्यू है 5/3, तो हमने y को लिख लिया। वापस जब वैल्यू रिटर्न की तो x रेज टू पावर -1 और इसको जो है नीचे ले आएंगे, वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। इसका मतलब है कि यहाँ पे अब 1 है जो कि पॉजिटिव होके आ गए है, लेकिन हम उसको लिखते नहीं होते। इसी तरीके से अब ये 3 यहाँ पे आ जाएगा, ये 5 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 3/5 और x यहाँ पे चला गया। अब x की वैल्यू बन गई 3/5, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 3/5 and 1। तो डियर स्टूडेंट, ये हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ये हमारा सॉल्यूशन सेट है। डियर स्टूडेंट, हमने ज़्यादा क्वेश्चन करने थे, लेकिन साथ में हमसायों का मुर्गा बोलने लग गया है, तो इसलिए मुझे फिर अपना फ़ैसला चेंज करना पड़ा है। तो इस मुझे जिस वीडियो बनाते हुए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है वो हमसायों के मुर्गे का होता है, और दूसरा जो लाउड स्पीकर यूज़ करते हैं, ये मुर्गे की तो मजाक में बात हो गई, ये जो लाउड स्पीकर यूज़ करते हैं मुझे इनकी समझ नहीं आती कि जो मांगने वाले हैं वो भी लाउड स्पीकर यूज़ कर रहे हैं, जो सब्ज़ी वाले हैं वो भी लाउड स्पीकर यूज़ कर रहे हैं, और मुझे ये नहीं पता कि यहाँ पे मतलब किसी टाउन में, महल्ले में या किसी सिटी में लाउड स्पीकर यूज़ करना अलाउ है या नहीं है। तो तब तक के अल्लाह हाफिज़, जब तक के हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ वापस नहीं आते। थैंक यू सो वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।